हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपना पीएनजी का बिल कम कर सकते हैं। पीएनजी अर्थात पाइप्ड नेचुरल गैस, जो अभी कुछ समय से लोगों के घरों में आनी शुरू हुई थी। उससे पहले हम सभी लोग एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते थे, जिसमें कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस भरी रहती है। दोनों में अंतर यह है कि जहां एलपीजी सिलेंडर के अंदर लिक्विड फॉर्म में होती है, वहीं एलएनजी पाइप में गैस फॉर्म में चलती है। दोनों में दो अंतर होते हैं। जो एलपीजी सिलेंडर है उसके अंदर जो है प्रेशर बहुत अधिक रहता है और वो लिक्विड फॉर्म में होती है, उसको जलने के लिए ज़्यादा एयर चाहिए, और एलपीजी जो हवा होती है उससे भारी होती है। इसके विपरीत जो पीएनजी होती है उसमें इतना अधिक प्रेशर नहीं होता है तथा वह हवा से हल्की होती है, इसलिए वह तुरंत वायुमंडल में आने पर ऊपर उठने की कोशिश करती है। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार से हम अपने गैस का बिल कम कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने चूल्हे के ये सब बर्नर रिमूव कर लेने हैं। हमने ये बर्नर रिमूव कर लिए हैं, और रिमूव करने के बाद मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ। इस तरह की स्ट्रक्चर आपके सामने आती है। देखिए, नॉर्मली ये जो चूल्हे होते हैं ये एलपीजी के हिसाब से बने होते हैं, इसलिए इसमें जो यहाँ एक बर्नर होता है, जो बाल्ब होता है, उसका ही होल का साइज थोड़ा छोटा रखा जाता है। लेकिन जैसे ही हम एलएनजी को यूज़ करते हैं, पीएनजी को, पाइप नेचुरल गैस, तो हमें इस होल को थोड़ा बड़ा करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए अधिकांश मैकेनिक ये करते हैं कि वो सिंपली इस वाले बाल्ब को निकाल कर इसकी जगह बड़ा लगा देते हैं। लेकिन ऐसा करने से तो आपकी जो पीएनजी है उसका कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि अब वो पहले से ज़्यादा यूज़ हो रही है, जबकि हमें करना है अपने पीएनजी का बिल कम। तो अब हम क्या करेंगे? देखिए, एक और चीज़ होती है जिस पर अधिकांश लोगों का ध्यान नहीं जाता है। ये बर्नर में साइड में होल होते हैं। किस लिए होते हैं ये? ये इसलिए होते हैं कि जब इसमें एलपीजी गैस इधर से एंटर करती है तो उस एलपीजी में कुछ मात्रा ऑक्सीजन की यहाँ पर मिक्स हो जाती है, और उसके कारण क्या होता है कि वो एलपीजी गैस यहाँ बेहतर ढंग से वर्न होती है। लेकिन वहीं पर जब हम अपने एलपीजी चूल्हे में पीएनजी पाइप लगा लेते हैं तो जो पीएनजी गैस होती है वो हवा से हल्की होती है। तो होता ये है कि जैसे ही वो यहाँ पर एंटर करती है उसकी कुछ मात्रा यहाँ से बाहर लीक कर जाती है, और साथ में उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी मिक्स हो जाती है, जिसके उसका कॉन्सेंट्रेशन और भी हल्का हो जाता है, और वो बर्नर पे आने पे उतनी ठीक से नहीं जल पाती। कई बार आपने देखा होगा कि आप लाइटर से जलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो जल भी नहीं पा रही है। वो इसलिए है क्योंकि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो और भी ज़्यादा लाइट हो चुका है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो चुकी है और साथ ही उसकी कुछ मात्रा यहाँ से लीक हो चुकी है। तो हमने क्या करना है कि हम फिलहाल इस बाल्ब के साइज को बड़ा नहीं करेंगे, बल्कि हम केवल इन एक्स्ट्रा होल्स को बंद कर देंगे, क्योंकि हमें एलपीजी की तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। पीएनजी बर्नर से निकलते ही अपने आप ही ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर वर्न हो जाती है। ठीक है, अब इसको बंद कैसे करेंगे? आप सोचेंगे कि यहाँ पर आप सेलो टेप लगा दें या ब्लैक टेप लगा दें, पर वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि जलते समय इसका टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है, और वो अगर कोई भी प्लास्टिक चीज़ होगी तो यहाँ पर लगाने पर मेल्ट हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, हम इसके लिए सिल्वर फॉइल की पट्टी का यूज़ करेंगे। देखिए, अभी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये सिल्वर फॉइल की पट्टियाँ हैं जिनमें नॉर्मली आप अपने घर का भोजन पैक करके लंच में ले जाते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये हाई टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं होती। ये दो क्यों बनाई आपने? क्योंकि नॉर्मली गैस में दो चूल्हे होते हैं और हम दोनों पर यूज़ करेंगे। तो देखिए, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से हमें इस पर रैप करना है कि जिससे इसके होल बंद हो जाए। ठीक है, तो हम इसको रैप करते हैं। रैप करने के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको रैप कर लिया है, और रैप करने पर ये अच्छे से साइड के होल बंद हो गए हैं। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये छोड़ते ही लूज़ हो जा रही है, तो ये अपने इस जगह पर रुकी रहे, इसके लिए हमें दो रबर बैंड डालने पड़ेंगे।
बिल्कुल सही सुना आपने, रबर बैंड। अब आप कहेंगे कि रबर बैंड तो मेल्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब हम रबर बैंड से इसको रैप नहीं करेंगे, बल्कि हमें इसके लिए एक वायर का यूज़ करना होगा जो कि गर्मी में मेल्ट ना हो। तो देखिए, ये देखिए वायर है मेरे पास, और इसको इस पर थोड़ा थोड़ा सा दोनों किनारों पर रैप कर देंगे जिससे कि ये सिल्वर फॉइल अपनी जगह पर बनी रहे। ठीक है, तो आप रैप करते हैं और फिर रैप करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने दो किनारों से इसको वायर से रैप कर दिया है। वायर से रैप करने से क्या होगा कि ये गर्मी में भी मेल्ट नहीं हुए। हम इसकी सहायता से इसको थोड़ा टाइट कर देते हैं। और ये देखिए, हमारा काम हो गया। तो हमने क्या किया है, केवल जो साइड के होल हैं उनके ऊपर सिल्वर फॉइल की रैपिंग कर दी है, और उसके ऊपर इस टाइप से दो मेटल के वायर को रैप कर दिया है। अब ये हमारा लगाने के लिए तैयार है। हमने देखिए इसमें क्या क्या है, जो एक्स्ट्रा वायर है हमने उसको नीचे की साइड लिया है ताकि वो ऊपर चूल्हे में कहीं भी ना अड़े। ये देखिए, ये ऊपरी किनारा है, और जो हमने एक्स्ट्रा वायर निकला है उसको नीचे ले लिया है। इसी तरह से हम अब क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा बर्नर है, ये देखिए, इस पर भी यहाँ पर रैप करेंगे, और ये जो दो होल हैं इनको हम बंद कर देंगे। तो चलिए रैपिंग करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, हमने दूसरे चूल्हे पर भी रैप कर दिया है और वायर को टाइट कर दिया है। ठीक है, अब हमारे ये दोनों चूल्हे तैयार हो चुके हैं। इन पर हमने क्या किया है, सिल्वर फॉइल को रैप किया, और फिर दोनों किनारे से एक एक वायर रैप करके ट्विस्ट कर दिया है। उससे क्या होगा कि ये सिल्वर फॉइल हमारे निकलेगी नहीं। तो चलिए फिट करते हैं और फिर हम आपको इसका असर दिखाते हैं। तो देखिए, ये चूल्हा हमने कर दिया है फिट, और अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या उन होल को बंद करने का कोई असर पड़ा है। ये हमने ले लिया है लाइटर, और हम इसको अब ऑन करके देखते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये पहली ही बार में लाइटर से जल भी जाता है, और उसकी कुछ मात्रा भी बढ़ गई है। इससे पहले ये चूल्हे इतनी तेज नहीं जलते थे जितना कि अभी जल रहे हैं। इसके अलावा एक समस्या इनमें ये भी होती थी कि कई बार लाइटर यूज करने पर वो बर्न होते थे, लेकिन आप देखिए सिंगल लाइटर में, फिर से कहते हैं, सिंगल लाइटर में वो बर्न हो जा रहे हैं। तो आप भी इस काम को करके देख सकते हैं, आपका जो PNG का बिल है वो मेरा अनुमान है कि मिनिमम 20% अवश्य कम हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखिए, अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो इसको हटाना बहुत ही आसान है। हमारा सिंपल सा एक फंडा है, और वो ये है कि जो साइड में होल होते हैं हमने उनको बंद करना है। ठीक है, ये देखिए, आपने दिखा देते हैं, ये हमने बंद कर दिए हैं, और बंद करने के बाद में हमारी जो PNG है वो और चल रही है। थैंक यू दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं जानता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही डिफरेंट और थोड़ा अजीब भी लग सकता है, लेकिन आप इसको करिए, आप इसका इफेक्ट देखिए। अगर आपको इफेक्ट कुछ लगता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।